और गजल की एक शाम मोहतरम ताबिश रेहान साहब के नाम से ये प्रोग्राम आज का मंसूब किया गया है। आपके हवाले से मैं एक कथा जो मैंने बहुत पहले 3 साल पहले कहा था मुझे याद आ रहा है, मैं वो आपकी नजर कर रहा हूँ कि महकाया जिसने गुलशन उर्दू जबान को, महकाया जिसने गुलशन उर्दू जबान को, जिसने वजूद बख्शा है एक साहेबान को, और चर्चा है जिसके लहजे का हिंदुस्तान में, आओ सुने हम आज उस ताबिश रेहान को। तो इंशाल्लाह आप लोग ताबिश रेहान साहब को भी सुनेंगे, इसलिए कि ये आज का प्रोग्राम उनके नाम से मंसूब है। आइए हजरात, इस वक्त जिस शायर को मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ वो एक ऐसा शायर है जो बहुत मसरूफ रहने के बावजूद भी जब अपनी तमाम तर मसरूफियात से वक्त चुराता है, और जब वो अपनी तमाम तर मसरूफियात से वक्त चुरा कर जब खुद से बातें करता है तो वो अपनी बातों को शेर की शक्ल में, गजल की शक्ल में, मुशायरों और नज़्मों में बयान कर देता है। आइए इस वक्त मैं शकील अहमद साहब प्रॉपर्टी डीलर जो बाहर खड़े हुए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अंदर तशरीफ ले आए, स्टेज पर आ जाएं, इसलिए कि मुंतजिमीन मुशायरा और तमामी शोरा उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में सरफराज अहमद पलाई, एजाज अहमद और फैयाज अहमद, इन लोग ये लोग जो है शरीक हुए हैं और बराबर तमामी शोरा इकराम की हौसला अफजाई कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई कि आपने अपनी जिम्मेदाराना सलाहियतों को यहाँ उजागर किया और तमामी शोरा इकराम की हौसला अफजाई के लिए आपने यहाँ तशरीफ फरमा हुए, आप तमामी हजरात का बहुत शुक्रिया। आइए इन 4 मित्रों के साथ मैं आदिल हेरा से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि गजल सिंगार करके चूड़ियाँ खनकाने लगती है, गजल सिंगार करके चूड़ियाँ खनकाने लगती है, तुम ही हो जिससे मिलके शायरी इतराने लगती है। गजल सिंगार करके चूड़ियाँ खनकाने लगती है, तुम ही हो जिससे मिलके शायरी इतराने लगती है, और तुम्हें अल्लाह ने एक खास खूबी से नवाजा है, जिन्हें छूते हो उन लफ्जों से खुशबू आने लगती है। आदिल हेरा माइक पर अपने कलाम के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी अच्छी नजामत कर रहे हैं आली जनाब फैसल अजीज साहब, और सदारत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं अल्तमस अंसारी साहब, मेंबर नगर पालिका परिषद मऊ। आइए आज की शाम ताबिश रेहान साहब के नाम से मंसूब है। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ बतौर खास समात करें। जितने भी यहाँ मेरे भाई नौजवान साथी यहाँ पे मौजूद हैं सभी की शिरकत, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ ताबिश भाई बतौर खास समात करें। के बातें दिल की जुबां पे लाऊं क्या, बातें दिल की जुबां पे लाऊं क्या, दर्द सीने का मैं जगाऊं क्या, दर्द सीने आज तुमने मुझे पुकारा है, आज तुमने मुझे पुकारा है, दिल हथेली पे लेके आऊं क्या, दिल हथेली आज तुमने मुझे दिल हथेली पे लेके आऊं क्या, दिल हथेली। आइए 4 मिसरे और पेश करता हूं बतौर खास समात करें। दिल हथेली पे लेके आऊं क्या, दिल हथेली। 4 मिसरे पढ़ता हूँ फैसल भाई बतौर खास समात करें। बड़े भाई इमरान सागर साहब की दुआएं पेश करता हूँ, समात कीजिए। कि सिर्फ बातों से कोई बात नहीं हो सकती, सिर्फ बातों से कोई बात, सिर्फ बातों से कोई
दो कि मुलाकात नहीं हो सकती, साफ कह दो। बहुत शुक्रिया। यहाँ से मैं गीत का मुखड़ा पेश करता हूँ। शहाब भाई सुने, इन्होंने अभी एक बेवफाई का शेर मेरे हवाले किया था, मैं मुखड़ा इनके हवाले से पेश करता हूँ, समाज करे। कि तू मेरी शहजादी मैं तेरा शहजादा तू मेरी शहजादी, तू मेरी शहजादी मैं तेरा शहजादा। कब तक दो दिल दो रहेंगे, कब तक दो दिल दो रहेंगे, राजे के महल से आजा आजा आजा। तू मेरी शहजादी मैं तेरा शहजादा। बंद पेश करता हूँ बतौर खास समाज के ताबिज भाई। इश्क वफा में राजा का जो हीर से था रिश्ता, इश्क वफा में राजा का जो हीर से था रिश्ता, जान तमन्ना वही ताल्लुक है तेरा मेरा, जान तमन्ना वही ताल्लुक है तेरा मेरा। डरना कैसा प्यार का मतलब, डरना कैसा प्यार का मतलब, दुनिया को समझा जा आजा जा। तू मेरी शहजादी मैं तेरा शहजादा तू मेरी शहजादी। कब तक दो दिल दो रहेंगे, कब तक दो दिल दो रहेंगे, राज महल से आजा आजा आजा। तू मेरी शहजादी मैं तेरा शहजादा। और ये बंद पेश करता हूँ इस मोहल्ले के हवाले से, माशाल्लाह ये मोहल्ला बहुत ही मजबूत है, मैं इनके हवाले से पेश करता हूँ समाज करें। कि मैंने कुतुब मीनार पे जिस दिन तुझको देखा था, मैंने कुतुब मीनार पे जिस दिन तुझको देखा था, एक नजर में कुड़िए तुझको दिल दे बैठा था, एक नजर में कुड़िए तुझको दिल दे बैठा था। तुझ बिन दीना दो भर गए अब, तुझ बिन दीना दो भर गए अब, मुझको गले लगा जा आजा आजा। तू मेरी शहजादी मैं तेरा शहजादा। दो दिल कब तक दो रहेंगे, राज महल से आजा आजा आजा। और आखिरी बंद पेश करके मैं अपनी जगह लेता हूँ बतौर खास समाज करें। के राजस्थानी लगेगा तेरा कुर्ता पंजाबी, ताबिश भाई बंद समाज करें। के राजस्थानी लगेगा तेरा कुर्ता पंजाबी, झुमका बरेली वाला नाक में दिल्ली की नथुनी, राजस्थानी लगेगा तेरा कुर्ता पंजाबी, झुमका बरेली वाला नाक में दिल्ली की नथुनी। आ तो मेरी रानी बन जा, आ तो मेरी रानी बन जा, और मैं तेरा राजा आजा आजा। तू मेरी शहजादी मैं तेरा शहजादा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब हजरत गजल की एक शाम मोहतरम ताविस रेहान साहब के नाम सदारत फरमा रहे हैं अल्तमस अंसारी साहब, मेंबर नगर पालिका परिषद मऊ। और मैं आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं शकील अहमद साहब, प्रॉपर्टी डीलर, साजिद गुफरान साहब, नगर पंचायत कोपागंज। मेहमान एजाजी अरसलान उर्फ अहमद साहब, इश्तियाक अहमद नेता, सईदुररहमान मुन्ना, जावेद उर्फ बबलू, आफ्ताब आलम सिद्दीकी साहब। और जिन लोगों की मेहनत और कोशिश से आज का ये प्रोग्राम आपके मुशाहदे में आया है, उनमें मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद उमर, अशरफ नेता, मोहम्मद आमिर, राशिद जफर, मोहम्मद अनस आरिफ, मोहम्मद जैद अबू साहिबा, मोहम्मद आसिफ, इमरान इलेक्ट्रिक, शमशेर व राफे जेई, बाबू खलील, सरफराज अहमद पलाई, एजाज अहमद और फैयाद अहमद। इन लोगों की मेहनतों से आज का ये प्रोग्राम इतना खूबसूरत प्रोग्राम और ये इतनी खूबसूरत उर्दू की महफिल मुनक़िद हुई है, इसके लिए हम इन तमामी हजरात का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।